नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो आपको कई सारी जानकारी अलग अलग चैनलों से लेना पड़ता है ताकि आप अपने चैनल को बूम कर सकें, आप अपने चैनल को ग्रो कर सकें और आप उस तकनीक को जो अलग अलग चैनलों पर देखते हैं, जो आपको जानकारी शेयर करते हैं, उनकी जानकारी को कलेक्ट करके अपने चैनल पर परफॉर्म किया जाए ताकि हमारा चैनल भी ग्रो कर जाए। और ऐसा काम आप करते हैं, अगर आप क्रिएटर हैं तो इन सारी चीज़ों का जुगाड़ आप हमेशा करते रहते हैं, परेशान रहते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, फिर भी उसका निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपके चैनल के अंदर में ही है। आप अपने चैनल को सही तरीके से चेक करते हैं तो उन जानकारियों को परफॉर्म करेंगे अगर आप अपने चैनल पे, तो आपका चैनल जल्दी बूस्ट अप हो सकता है, जल्दी आपका चैनल ग्रो हो सकता है और आप जो है काफी फास्ट अपने चैनल पे ग्रो कर सकते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि उसका चैनल देख लो, ये इंप्लीमेंट कर दो, वो इंप्लीमेंट कर दो, ऐसे आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने चैनल पर कैसे जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकते हैं और वो कौन सी चीजें हैं जो आपके चैनल के अंदर ही हैं, उस चीज को हम देख नहीं पाते हैं और उस चीज को देखते हैं और उसी से रिलेटेड आप चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं तो हो सकता है कि आपका चैनल काफी ज्यादा फास्ट ग्रो करे। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि वो कौन सी चीज है। तो चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज मैं बताऊंगा कि आप अपने चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाएं। मैंने जैसे कि बताया आपको कि आपके चैनल के अंदर ही कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसको यूज़ करके आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मैनेज वीडियो पर चलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही मैनेज वीडियो पर चलते हैं, आपको क्या करना है कि यहाँ पर ऐसा इंटरफेस खुलता है और यहाँ पर एक एनालिटिक का ऑप्शन आता है, तो आपको क्या करना है, एनालिटिक पर क्लिक करना है। ठीक है, एनालिटिक पे जैसे ही क्लिक करना है, एनालिटिक पे जैसे ही क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे एक ऑडियंस का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑडियंस पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही ऑडियंस पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिटर्निंग व्यूवर्स जो है ये यहाँ पे दिखाता है, यूनिक व्यूवर्स दिखाते हैं और सब्सक्राइबर्स दिखा रहे हैं लास्ट 28 डेज के। तो जब आप ऑडियंस पे जाते हैं तो आपके साइड में एक यहाँ पर ऑप्शन दिखता है। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है जिस पे लिखता है कि अदर चैनल्स दैट योर ऑडियंस वॉच, यानी कि आपके जो ऑडियंस है वो कौन कौन से और दूसरे चैनल्स को देखती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 यानी कि 15 जितना भी लिस्ट रहता है वो आपको शो हो जाता है। जैसा कि आप हमारे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है टाइम्स ऑफ अयोध्या कोई चैनल है, ये हमारी वीडियो देखती है और इनकी वीडियोज़ को भी देखती है। बिहार हेलीकॉप्टर ऑफिशियल जो है वो हमारे वीडियोज़ को भी देखती है, इनके वीडियोज़ को देखती है। युवा वैज्ञानिक ऑफिशियल, ये हमारे वीडियोज़ को भी देखती है। कुशीनगर न्यूज़, सिटी अपडेट न्यूज़ और ये खबर दुनिया, भोजपुरिया झरोखा, झलको गोपालगंज, अरुण बर्नवाल, झलको चंपारण और ये भारत एक नई सोच। तो ये तमाम यूट्यूब चैनल्स हैं जो हमारे वीडियोस को तो देखती हैं, साथ में इस वीडियोस के, इस चैनल्स के वीडियोस को भी देखती है। तो अब आपसे, आपको यहाँ से क्या सोचना है कि आप इस चैनल को खोलिए, आप इस चैनल को खोलिए और आप इस चैनल को खोलिए। मतलब ये है कि जो भी आपके वीडियोस को देखता है, वो जो भी चैनल के लोग आपके वीडियोस को और उसके वीडियोस को भी देखते हैं, तो उसके चैनल्स को आप जो है सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद वैसे ही जो प्रकार, जो उस टाइप का कॉन्टेंट दे रहे हैं, जो चैनल आपके वीडियोस को भी देखते हैं और उस चैनल के भी वीडियोस को जो व्यूअर्स देखते हैं, वैसा ही वीडियोस आप अपने चैनल पर डालने की कोशिश करें, वैसा ही कंटेंट, सेम टाइप ऑफ कंटेंट डालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा क्या होगा कि जो आपके चैनल पर जो ऑडियंस इंटरेस्टेड है वो दूसरे चैनल पर भी उसी टाइप की चीज़ों को जाकर देखती है, तो ऑब्वियसली अगर आप उसी से रिलेटेड अगर आप ज़्यादा वीडियोज करते हैं तो आपकी संभावनाएँ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और आपके चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ जो चैनल से वो बढ़ जाएंगे और उससे चैनल्स के अकॉर्डिंग आप परफॉर्म करते हैं तो फिर आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। तो आप देख लीजिए आपके चैनल्स कौन कौन सी और भी चैनल्स वीडियो ऑडियंस जो है देखती है, तो उन चैनलों को फॉलो करें, वो चैनल जैसा कॉन्टेंट डालते हैं उसी टाइप का कॉन्टेंट डालें तो आपका चैनल ग्रो हो सकता है। तो ये सीक्रेट टिप्स है जो आपके चैनल के अंदर में ही होता है और आप उस चीज़ को ही परफॉर्म करेंगे तो आपका चैनल जल्दी ग्रो हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, देखा आपने, ये जो है आपके YouTube चैनल के इनसाइड में होता है और इसी चीज को अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं, वैसा ही कंटेंट करते हैं, तो आपके चैनल की जो संभावनाएं हैं बूस्ट अप होने की वो काफी ज्यादा हो जाती है, जो हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं और दूसरे के फालतू के बातों में आकर अपने चैनल पे काम करना शुरू करते हैं। तो ये जानकारी मुझे लगा कि आप सभी के बीच हमारे ऑडियंस में साझा करनी चाहिए। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे
फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।